संयुक्त किसान मोर्चा तथा केंद्रीय कामगार संगठना कृति समिति की ओर से आज का दिन काले दिन के रूप में मनाया गया। संविधान चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य की उपस्थिति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विरोध के ऐलान के तहत हजारों किसान पहुंचे। चूंकि अजय मिश्रा द्वारा किसानों को कुचलने की धमकी एक दिन पूर्व जारी की गई थी, उस घटना का निषेध करते हुए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। भरे में ब्लैक डे काला दिन मना रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट एक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन के तरफ से आज देश भरे में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सबको ज्ञात होगा कि आज ही के दिन लखीमपुर खीरी में जो मिश्रा जी है, अजय मिश्रा जी जो हमारे मंत्री रह चुके देश के, इन्होंने जो किसान आंदोलन करके वापस जा रहे थे, उनको अपने उनके बेटे ने उनको गाड़ी से कुचला था, उसका विरोध दिवस आज, और उसके साथ साथ जो मजदूरों पर आघात हो रहे हैं, जो सरकार ने, मोदी सरकार ने खास करके 4 श्रम कोड लाए हैं, वो श्रम कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने 6 सितंबर को एक GR निकाला है, शासन आदेश, जिसमें सारे सेक्टर अब कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हैं, तो उसके खिलाफ में आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं। और ये तमाम जो आशा वर्कर यहाँ आपको दिख रही है, ये आज 16 तारीख से अनडेफिनिश स्ट्राइक पर यानी बेमुदत सम पर जाने वाली है, उसकी नोटिस देने आज ये लोग आए हुए हैं। इसके पूर्व की जो जानकारी है, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है अरुण लाटकर, वो आपको देंगे। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से शाम काले इतना ही बोलता हूँ। 20 अगस्त को जो सम्मेलन हुआ संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम कामगार संगठन, इनका आज ये संयुक्त रूप से काला दिन मनाया जा रहा है। काला दिन क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में आपको बताया गया है। खास तौर पर अजय मिश्रा टेनी और जो गृह राज्य मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, इस मांग को लेकर ये काला दिन मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों मजदूर विरोधी नीतियां जो अपना रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा। आज ही हमारा डोमेस्टिक डिपॉजिट 50 साल के न्यूनतम स्तर पे है। आगे आने वाले दिनों में यदि लोगों की कमाई में घट होंगी तो ये ध्यान में रखना कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी। और हमारा दायित्व तो बनता है किसानों और मजदूरों का कि ये जो बात है ये देशवासियों के सामने लाया जाए, इसलिए ये भी मांगे काला दिन के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं।